देखिए आप ये यार, ये ब्लू कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे आज वो सब निकल चुके हैं, मतलब कि उस भाई साहब ने शिपमेंट कर दी है। सब लोग, तो आज आपको अपडेट देना था अपनी आरसीएस किट के बारे में। तो कल ही मैंने पूछा भाई को कि भाई बन गई, तो अपनी किट बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, बस आज उसको पेमेंट करना है। पेमेंट कर देंगे तो फिर वो भेज देगा यहाँ पे किट। चेन्नई से अपनी किट आ रही है, और कितने की किट पड़ी, फिर लाइटिंग, फिर जो भी मॉडिफिकेशन करें वो कितने का, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे डिटेल में। और बहुत ही खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन करेंगे, और किट आएगी उसके बाद पेंटिंग वेंटिंग भी करना है, फिर USD अप्स एंड डाउन सॉकर भी उसमें इंस्टॉल करने हैं, बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन आज हमको उसको पेमेंट करना है, तो अभी जाना पड़ेगा बाहर, और क्योंकि अपनी बैंक में इतने पैसे हैं नहीं अभी, सो बैंक में पैसे डाल के फिर उसको पेमेंट करने का है। उसके बाद अपनी जो एम है यहाँ पर पड़ी, आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमको ये ठीक करवाना है, क्योंकि यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा, लेकिन ये यार 1900 का पार्ट है, तो फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिप्लेस ना कराऊँ, इसके ऊपर ही डायरेक्ट वो मैं इंस्टॉल कर दूँ जो इसका एक्सेसरीज आता है। लेकिन कहीं तो अपने व्हील में कील घुस गई है, एक और नहीं यहाँ पर नहीं है, कील घुस गई है, पंचर हो चुका है। सो ये एम में 3 से 4 बार कील घुसी है, सो अभी हम जाएंगे इसको लेके और पंचर निकालेंगे, फिर भाई को पेमेंट कर देंगे उस चलने वाले भाई को, फिर और अपने USD फॉक्स ऐसे ही सेम टू सेम आएंगे। ये पूरा कॉन्सोल आएगा, ये पूरा सेट आएगा 2 हैंडल के साथ, पूरा USD फॉक्स R5M का ही आएगा। और फिर हमने ZX वाले मिरर भी ऑर्डर कर दिए दोनों के लिए, इसके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों ऑर्डर कर दिए। सो वो भी इसमें भी लग जाएंगे, उसमें भी लग जाएंगे, तो खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन होने वाली है। और इसको भी कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करेंगे, इसकी ग्राफिक्स में चेंज करेंगे। आई नो बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार पक्का कुछ करना है। तो ये अपडेट आपको देना था, R6 बहुत ही जल्द बनेगी। और अभी 10 दिन तक कोई ब्लॉग ही नहीं आया, मैं गया था मांडवी शादी में और R6 का अपनी किट बनी ही नहीं थी, तो मैंने सोचा अभी क्या ब्लॉग बनाऊँ, तो अभी बन चुकी है, किट आएगी और सब कुछ हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है प्रोसेस और कितना कॉस्ट और सब कुछ। तो अभी खाना खाने के बाद हम जाते हैं मार्केट में, और सबसे पहले हम इसको ठीक करवाते हैं, इसका जो पंचर है वो ठीक करवाते हैं, उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो हम आ गए हैं पंचर वाले के पास, और ये आप देख पा रहे हो दुख साला काहे खत्म नहीं होता। तो अभी हम बाइक की तरफ देते हैं और किशोर आ रहा है अभी मेरे को लेने के लिए। तो गाइज अभी ये है अपनी न्यू लाइट जो ऑरेंज कलर की है, प्रॉपर दियर एक पैर। तो अभी अपनी बाइक आएगी ऊपर और फिर होगी चेंज लाइटिंग। तो अभी आपको मैं दिखाऊँ ना, तो अभी क्या हुआ कि जो मैंने ये ऑर्डर की थी ना वो ब्लू कलर की आ गई है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सेकंड, चाबी कहाँ पे है इसकी? जब मैंने पहले ऑर्डर की थी तब मैंने ऑरेंज ही ऑर्डर की थी, लेकिन आ गई थी ब्लू कलर की, और क्वालिटी इतनी अच्छी वैसे थी भी नहीं, तो मैंने इसको दूसरी ऑर्डर कर दी। देखिए आप ये यार, ये ब्लू कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे और जो ओरिजिनल कलर होता है इंडिकेटर का ऑरेंज वही चाहिए। तो अभी वो ऑर्डर कर दी थी, वो आ गई है, अभी वो होगी इंस्टॉल और ये निकल जाएगी अभी, और मेरी ये बाइक भी इधर ही है। गाइस आप देख पा रहे हो, अरे भाई भाई आराम से। तो ऑरेंज आ गई अपनी, सो जो चाहिए थी वो ही आ गई है, सो अच्छा लग रहा है। और ये MT उनकी जय भाई की, कुछ भी काम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, सदीप भाई के पास नंबर वहाँ पे। इतनी गर्मी में गन्ने का जूस पीने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है, लाइए लाइए। हाँ भाई साहब, इसका मजा ही कुछ अलग है। और ये लोग बॉम्बे से आते हैं सारे, जितने बहुत सारे ये गांधीधाम में हाईवे पे हैं, फिर मार्केट में हैं, ये सब के सब मुंबई से हैं। सो हर गर्मी के मौसम में होते हैं, और इनके पास जो नेचुरल जो जूस मिलता है गन्ने का, भाई साहब पूछो ही मत, मजा आ जाता है। वैसे यार दूसरा दिन है, आपको कपड़ों से पता चल ही गया होगा कि कल मैंने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया। सो अभी सीन कुछ ऐसा है कि आज हमने उसको भाई को पेमेंट कर दिया है और अपना माल निकल चुका है। सो R6 की किट ऑन द वे है, बस अब 7 दिन में आ जाएगी। और क्या क्या ऑर्डर किया है मैं आपको अभी थोड़े दिन में बताता हूँ। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं बैंक में गया था नेविगेटर जय के साथ, अभी जय आ गया ये रहा। और गाड़ी इतनी गर्म हो गई है भाई साहब कि आपको जो ये AC की हवा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, फुल गर्म होगी गाड़ी, ब्लैक गाड़ी अपनी, और अंदर सीट कवर भी ब्लैक ही है, तो बहुत गर्म होगी गाड़ी। अभी AC एकदम फुल पे रखा है। तो अभी मैंने चेन्नई से ऑर्डर किया है, एक तो R6 की किट आएगी, उसके बाद USD फॉक्स आएंगे अप्स एंड डाउन, और उसके बाद क्या क्या ऑर्डर किया था हमने, प्रोजेक्टर आएंगे, उसके बाद ब्रेम्बो की किट आएगी,
उसके बाद DRL आएगी, क्रिस्टल DRL आएगी, उसके बाद ZX10R के मिरर मैंने दो पेयर ऑर्डर किए हैं अपनी M के लिए भी और R6 के लिए भी, दोनों के लिए ऑर्डर कर दिए मैंने तो वो भी, और आज वो सब निकल चुके हैं, मतलब कि उस भाई साहब ने शिपमेंट कर दी है, तो अभी मैक्सिमम 10 दिन के अंदर तो आ ही जाएगा, और उन्होंने मुझे 7 to 10 वर्किंग डेज का ही बोला है, तो 10 मैक्सिमम चलो भाई पकड़ ले 12 दिन के अंदर तो आ ही जाएगा, तो वो एक बार आ जाए किट, उसके बाद हम किट इंस्टॉल करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई क्या कुछ इसमें करने जैसा है और कौन सा पेंट करना है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो वही है कि कौन सा पेंट करें, उसके बाद पेंट के बाद कौन सा ग्राफिक्स करें, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही चीज़ है कि कौन सा पेंट करें। तो अभी आने देते हैं, पहले किट आ जाए उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है और सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, और कितने में R15 से अपनी R6 बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के ब्लॉग में बस यही अपडेट था कि भाई अपनी R6 की किट आ चुकी, मतलब कि हमने ऑर्डर वोटर सब कर दिया, वहाँ से निकल भी गई है, आ जाएगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑन पे जरूर कर देना, क्योंकि जब किट आएगी उसके बाद R6 के ब्लॉग आएंगे बहुत ही तगड़े वाले, और कैसी बनती है तो उन सब के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ऑल ऑन पे, और मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर देना, क्योंकि यूट्यूब से पहले इंस्टा में सब अपडेट आती रहती है। सो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है अपने इंस्टाग्राम की। तो अभी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।